दोस्तों, अब हम अपने रूम नंबर 73 में चेक इन कर चुके हैं। ये हैदराबाद स्ट्रीट में 11th फ्लोर पर पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल रूम है, और ये देखिए इंटीरियर कितना बेहतरीन है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंटीरियर, बहुत ही बेहतरीन रूम। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये रूम है। और यहाँ पे आप देखिए ड्रेसिंग टेबल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बच्चे बिल्कुल बैठ के मज़े ले रहे हैं, और हमारी गुड़िया रानी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। साथ ही आप देखिए यहाँ इस तरह का पूरा इंटीरियर हमें देखने को मिलता है। और अगर आप इसकी विंडो से नज़ारे की बात करेंगे तो मैं आपको विंडो खोल के दिखा देता हूँ। प्रीति, विंडो खोलो ज़रा। ये देखिए, इधर देखो पहले। ये देखिए हमारी मिसेस विंडो खोल रही हैं, बहुत खुश हो गई हैं यहाँ आके, क्योंकि नज़ारे पूरा। बड़ा वाला विंडो खोलो पूरा, सब इधर इधर सेट करो, इधर 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 करो सब। ए बच्चे, इधर सेट करो सारा, इधर। हाँ, ये देखिए खोल रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की असली खूबसूरती, जिसको देखकर आप भी कहेंगे वाह। ये देखिए कैसे समुद्र की हवा हमारी बीवी से टकरा रही है, और कितनी बेहतरीन मुस्कुराहट बीवी के चेहरे पर आ रही है। ये देखिए दोस्तों, यह है मुस्कुराहट का कारण। ये देखिए क्या पोश प्राइम लोकेशन है, समुद्र का किनारा आप देख सकते हैं यहाँ। ये है अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मतलब यहाँ आने के बाद एक बार को आपको कहीं घूमने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना बढ़िया यहाँ से नज़ारा देखने को मिल रहा है, मतलब मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन आप इसको कह सकते हैं। अगर किसी होटल की कोई लोकेशन की बात करेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतरीन लोकेशन हो ही नहीं सकती। साथ ही आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिजी रोड। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो दोस्तों, ये प्रियदर्शनी पार्क के बिल्कुल सामने पड़ता है। ये जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, यह है प्रियदर्शनी पार्क। और अगर यहाँ बस से आते हैं, और अगर आप यहाँ पर बस से आते हैं, तो आपको बस नंबर 104 पकड़नी होगी, जो ग्रांड रोड रेलवे स्टेशन से आपको मिल जाएगी, और आपको प्रियदर्शनी चौक पर उतरना है। प्रियदर्शनी चौक उतरते ही जस्ट 10 कदम की दूरी पर है हैदराबाद स्टेट, और आपको ए ब्लॉक में आना है। अब आप देख सकते हैं सामने इसका अलमारी, कितनी बेहतरीन अलमारी है, बड़ी अलमारी है इसमें बिल्कुल। ये देखिए हमने सामान सारा रख दिया, फिर भी बहुत सारी जगह अवेलेबल है। और अगर टॉयलेट बाथरूम की बात की जाए तो टॉयलेट बाथरूम भी काफ़ी साफ सुथरे हैं। खुल जा, ये देखिए ये टॉयलेट बाथरूम है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर टॉयलेट बाथरूम है यहाँ के। ये देखिए मतलब सारी सुविधा है। अब मैं आपको इसकी बालकनी से नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो मालाबार हिल है, मतलब हैदराबाद स्टेट पड़ता है नेपियन सी रोड, मालाबार हिल। मालाबार हिल मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट और एक्सपेंसिव लोकेशन है, बहुत महंगा ये प्लेस है। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम अपनी बालकनी में आते हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये आप देखिए कितनी बड़ी इमारतें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे रूम्स हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे रूम्स हैं, और सामने हमारा रूम है 73 है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी रूम हैं सब सी फेसिंग है, मतलब हर रूम सी फेस की तरफ है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग से रूम लेना होगा या रूम की लोकेशन का आपको पता करना होगा, हर रूम सी फेसिंग के साथ आता है। और आप देखिए कितना बेहतरीन है। और इस समय दोस्तों हमें 11th फ्लोर पे, मतलब ये जो गेस्ट हाउस है वो है 11th फ्लोर पर स्थित। और दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ बालकनी में, और यहाँ से और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें यहाँ से दिख रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यह है नेपियन सी रोड, है ना दोस्तों, कितना ब्यूटीफुली लगा। और देखिए समुंदर। तो दोस्तों, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप मुंबई आते हैं तो आपको घूमने के लिहाज से तो ओल्ड सीजो कॉम्प्लेक्स वाला बुक करना चाहिए, क्योंकि CST और जितने भी प्राइम लोकेशंस हैं, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, सब वहीं हैं। और फिर आप एक दो दिन यहाँ रुक सकते हैं। हमने दोस्तों 3 दिन ओल्ड सीजो कॉम्प्लेक्स का जो हॉस्टल है, मतलब मुंबई गेस्ट हाउस है, उसको बुक किया था, और 2 दिन हमारा ये वाला है। तो इसलिए हमने इसलिए बुक किया ताकि हम आराम से अपने यहाँ पे सीन का नज़ारा ले सकें। ये देखिए इस समय 11th फ्लोर पर खड़े हैं, देखिए कितनी हाइट पर है हम लोग। तो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। अगर आप मुंबई आते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा
होटल बुक करना चाहिए, तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं और दोनों के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ रूम की लोकेशंस की चिट लगी हुई है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रूम कहाँ है। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे रूम सी फेसिंग हैं और ये रूम की लोकेशन का चार्ट है 69A से 71B लेफ्ट साइड है, यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 72A से 74B राइट साइड है, यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं लिफ्ट। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी बढ़िया ये लोकेशन है, अगर आप मुंबई आते हैं तो दोनों में कोई भी बुक करवा सकते हैं। उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है ओल्ड सीजीओ कॉम्प्लेक्स वाले गेस्ट हाउस की, लेकिन मतलब व्यू इतने अच्छे नहीं मिलते विंडो से, लेकिन लोकेशन शानदार है, मतलब सब कुछ नियरेस्ट है और यहाँ व्यू बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, टैक्सी टुक्सी मिलती नहीं है। हाँ 104 नंबर बस से आप ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से यहाँ आ सकते हैं और 104 नंबर से ही वापस जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नेपियन सी रोड पर स्थित हैदराबाद स्टेट में स्थित सरकारी गेस्ट हाउस किस तरह का। ये देखिए बच्चों ने बिल्कुल रायता फैला रखा है, बिल्कुल लड़ने को तैयार बैठे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या ओल्ड सीजीओ कॉम्प्लेक्स का देखना चाहते हैं किस तरह का होटल है और किस तरह की सुविधाएं हैं, तो वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब मैं विराम देता हूं अपने इस वीडियो को, एक बार आपको अपनी शक्ल तो दिखा दूं, बड़ी मेहनत करी है। पहले आप देखिए समुद्र को और अब आप देखिए हमें। तो दोस्तों कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया हमारा ट्रैवल रहा मुंबई का, और बाकी मुंबई से रिलेटेड जितनी भी प्लेसेस हैं मैंने कवर की हैं, सबकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा विद डिटेल। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ बताऊंगा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, मतलब A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाय बाय।